भाइयों बहनों, 21वीं सदी में जब कोई सुने कि भारत 18,000 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है, कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। आजादी के 70 साल होने आए हो और गांव में बिजली का खंभा न पहुंचा हो तो भाइयों बहनों, मुझ जैसे व्यक्ति को पीड़ा होना बड़ा स्वाभाविक है। और इसलिए मैंने बीड़ा उठाया कि मुझे गांवों में बिजली पहुंचानी है। और मैंने सरकारी दफ्तर में अधिकारियों से कहा 1000 दिन में समय पक्का करके दिया है। और बहुत लोग हैं जो मेरा बराबर हिसाब देख रहे हैं कि मोदी जो कह रहा है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहीं से कोई गलत खबर आ जाए तो 24 घंटे टीवी पर चलता है कि मोदी ने उस गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन अभी बिजली पहुंची नहीं, सिर्फ खंभे पहुंचे हैं। इतना बारीकी से मेरे काम को देखा जाता है और मैं इसका स्वागत करता हूं। सरकार का पल पल का हिसाब होना चाहिए, सरकार का पाई पाई का हिसाब होना चाहिए। यह सरकार जनता के लिए होती है, जनता की भलाई के लिए होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, 1000 दिन में अभी तो 300 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि 18,000 गांव में से 7,000 गांव में बिजली चालू हो गई। सबसे ज्यादा गांव उत्तर प्रदेश के अंधेरे में थे, बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम मैं पूरा करके रहूंगा। मेरे भाइयों बहनों, ये काम मैंने उठाया है।